नमस्कार, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। मैं हूं ऋतुबिष्ट और आइए अब नजर डालते हैं खबर पंचायत से। पाली के लोहट मंडावास में एक युवक के पेड़ से बांधकर पिटाई करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि पेड़ से बंधा शख्स पेमा राम है, जिसकी पिटाई चौथा राम पटेल और उसकी साथी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पेमा राम ने पहले दुकान पर सो रहे चौथा राम को लाठियों से पीट दिया। चित्तौड़गढ़ के मंडला चारण गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में फायरिंग की सूचना भी मिली है। सभी गंभीर घायलों को निम्बाहेड़ा के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं उपचार के दौरान भी दोनों गुटों में एक बार फिर से खूनी संघर्ष हुआ और पूरे घटनाक्रम में करीब 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में पार्क में खेलने गए 8 साल के लापता बालक का 2 दिनों बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। करणपुर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। परिजनों का कहना है कि बालक राजू नगर पालिका पार्क में खेलने गया था। राजू करणपुर के वार्ड 16 निवासी बुआ के पास रहता था, जिसके बाद राजू घर वापस नहीं लौटा। श्रीगंगानगर के 2 ई छोटी गांव में हाई वोल्टेज से हुए नुकसान के बाद ग्रामीणों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। यहां पहुंचे बिजली महकमे के अधिकारियों को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों ने अधिकारियों का घेराव करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग रखी। बता दें कि गांव 2 ई छोटी में एकाएक बिजली वोल्टेज बढ़ गई, जिससे कई घरों में विद्युत उपकरण जल गए। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में भूमाफियाओं ने प्रशासन की मिली भगत से करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया। जब नगर परिषद की टीम अतिक्रमण हटाने गई तो एसडीएम ने उन्हें वापस लौटा दिया और यही कहा गया कि जमीन नगर परिषद की नहीं बल्कि सरकारी चारागाह भूमि है। एसडीएम ने नाराज सभापति ने एसडीएम राज नारायण शर्मा को ज्ञापन दिया। इस पर एसडीएम ने कार्रवाई की बात कही है। बीकानेर के नत्थूसर बास स्थित राजकीय बालिका विद्यालय की बालिकाओं ने शिक्षक के टीचर के तबादले का विरोध जताया है। बालिकाओं ने कक्षाओं का बहिष्कार कर स्कूल के आगे धरना लगा दिया। छात्राओं ने टीचर का ट्रांसफर निरस्त करने की मांग की। इन छात्राओं का कहना था कि टीचर के ट्रांसफर होने से स्कूल में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, साथ ही पढ़ाई भी प्रभावित होगी। कोटा के बुढ़ादत थाना क्षेत्र के कोटा श्योपुर राजमार्ग 70 पर एक सवारी कार असंतुलित होकर सड़क के साइड में जा गिरी। दौरान गनीमत रही कि घटनास्थल के समीप मौजूद लोगों ने गाड़ी में सवार लोगों को बाहर निकाला और सुल्तानपुर अस्पताल में पहुंचाया गया। घटना में एक दर्जन लोगों को चोटें आई हैं, तो 3 की हालत बेहद गंभीर है। जयपुर में तेज रफ्तार की कहर ने 2 युवकों की जान ले ली। चौक रोड स्थित दुर्गापुरा में बेकाबू रोडवेज बस ने स्कूटी पर जा रहे 2 युवकों को कुचल दिया। वही दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद रोडवेज चालक मौके से फरार हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को मॉर्चरी में रखवा दिया। अजमेर के ब्यावर में करबला मार्ग स्थित खाली भूखंड में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से घटना की जानकारी ली। पुलिस को मौके से स्टाफ और बाइक के टूटे इंडिकेटर मिले। मृतक की शिनाख्त नकुड़ी का चौरापुर का बाड़िया नानड़ निवासी लाडू सिंह के रूप में हुई। जालौर के बड़गांव कस्बे में पशुओं के पानी पीने के कुंड में गिरने से युवक की मौत हो गई। शव बड़गांव निवासी रमेश कुमार भिल का है, जो आदतन शराबी था। सूचना है कि कल रमेश ज्यादा शराब का सेवन कर घर नहीं लौटा था। आज सुबह रमेश का शव कुंड में मिला। रानीवाड़ा पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी। बीकानेर के खाजूवाला मंडी में एक छात्र पर अज्ञात लोगों ने तलवार से हमला कर दिया। हमलावरों ने छात्र की गर्दन काटने की कोशिश की, जिससे छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल छात्रों को खाजूवाला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। साथ ही मामले की सूचना पर खाजूवाला पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। धौलपुर के सैपो के गढ़ी लज्जा गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थी तंबू के नीचे पढ़ने को मजबूर है। विद्यालय का भवन नहीं होने के कारण विद्यार्थी पेड़ों के नीचे तंबू में बैठकर पढ़ रहे हैं। वहीं ज्यादा बारिश होने पर तंबू का विकल्प नाकाफी हो जाता है और मजबूरन बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है। स्कूल में 512 विद्यार्थियों का नामांकन है, लेकिन स्कूल के नाम पर मात्र 4 कमरों में कक्षाएं चल रही है। कोटा में एक पत्थर व्यवसायी की हत्या का मामला सामने आया है। व्यवसायी मोहम्मद अयूब का शव
शहर के विवेकानंद नगर के सुनसान इलाके में पत्थरों से कुचला हुआ मिला था। मौके से मिले मोबाइल और बाइक के आधार पर अयूब की पहचान हो सकी है। मृतक अयूब बूंदी का रहने वाला था, जो डाभी के धनेश्वर क्षेत्र में पत्थर का व्यवसाय करता था। झालावाड़ के झालापाटन के एसटीसी प्रांगण में नाग नागिन का जोड़ा अठकेलियां करते हुए नजर आया। इसे देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान करीब एक घंटे तक इस जोड़े ने अठकेलियां की। इस दौरान भीड़ ने इनसे दूरी ही बनाए रखी। श्रीगंगानगर के पन्ने वाली जाटान के राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य इंदु डुमरा के तबादले को निरस्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल को ताला लगाकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों सहित स्कूल स्टाफ और बच्चे भी धरने पर बैठ गए। प्रशासन से जल्द तबादला निरस्त करने की मांग की गई। वहीं सूचना पाकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमन सिद्धू भी मौके पर पहुंचे। चूरू के सरदार शहर वार्ड 39 में लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे वार्ड वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं विरोध को बढ़ता देख जलदाय विभाग के अधिकारियों ने घटनास्थल पर पुलिस को बुलाया और लोगों को शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन वार्ड के लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। अलवर के कठुमर कस्बे के मुख्य बाजार में बार बार लगने वाला जाम आमजन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं पुलिस प्रशासन मौन साधे हुए। जाम में रोजाना एम्बुलेंस और स्कूल वाहनों के अलावा जल्दी में निकलने वाले वाहन फंस जाते हैं, जिससे प्रस्तावों और रोगियों को समय में स्वास्थ्य सेवा और उपचार नहीं मिल पाता। चित्तौड़गढ़ के मंडला चारण गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। खूनी संघर्ष में फायरिंग की भी सूचना है। सभी गंभीर घायलों को निम्बाहेड़ा के उपजिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं उपचार के दौरान भी दोनों गुटों में एक बार फिर से खूनी संघर्ष हुआ और पूरे घटनाक्रम में करीब 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तीन घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई। राजधानी में 10-20 स्कीम गोपालपुरा बाईपास पर व्यवसायिक गतिविधियां चलाए जाने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई की। वहीं हाईकोर्ट में जेडीए ने शपथ पत्र पेश कर कहा कि अधिकांश क्षेत्र को सीज कर दिया गया है। जेडीए ने कहा कि 9 लोगों ने कन्वर्जन का प्रार्थना पत्र लगाया है, जिसे अब तक स्वीकार नहीं किया गया। सीकर में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा ने जिला नियंत्रण कक्ष में अधिकारियों की बैठक ली, साथ ही महिलाओं से हो रहे अपराधों के मामले पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। इस मौके पर प्रदीप मोहन शर्मा ने कहा कि परिवादी को समय पर न्याय दिलाना ही पहला धर्म है, साथ ही कहा कि बढ़ते हादसों पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। बीकानेर रेल मंडल की रेलवे स्टेशन पर अब तीसरी आंख की नजर रहेगी। बीकानेर रेल मंडल के 6 रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, उसका नियंत्रण भी उसी स्टेशन पर हो सकेगा। मंडल सुरक्षा आयुक्त डीके शुक्ला ने बताया है कि बीकानेर के आरपीएफ थाने में नया नियंत्रण कक्ष बनाया जाना प्रस्तावित था, लेकिन अब सभी स्टेशनों पर ही नियंत्रण कक्ष बनाने का निर्णय लिया गया है। भिलवाड़ा के सेठ माणिक्य लाल वर्मा महाविद्यालय में एनसीसी अधिकारी का ट्रांसफर होने के विरोध में एबीवीपी और एनसीसी के छात्र कॉलेज की छत पर चढ़ गए। इस दौरान छात्रों ने नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन भी किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रों से समझाइश कर उन्हें नीचे उतारा और मामले को शांत करवाया। सीकर के बिस्मिल्ला कॉलोनी के लोगों ने गंदे पानी की समस्या को लेकर जमकर प्रदर्शन किया है। वहीं महिलाओं ने नगर परिषद आयुक्त का घेराव किया। वहीं महिलाएं सभापति के चैंबर के बाहर धरने पर बैठ गईं और कहा कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा वो चैंबर के बाहर से नहीं उठेंगी। दौसा के सिकराय उपखंड के राजकीय विद्यालय राणौली में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी नेता गुलाब सिंह बैरवा और शिवचरण मेहरा ने स्कूल में पौधारोपण करके स्कूल के लिए 2 पंखे भी भेंट किए। कार्यक्रम में स्कूल प्रशासन ने भामाशाहों का स्वागत किया। बॉलीवुड फिल्म सिंह इज किंग और सुल्तान जैसी फिल्मों में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाली ज्योति नूरा और सुल्ताना नूरा ने पूरी टीम के साथ अजमेर दरगाह में जियारत की। इस दौरान दरगाह जियारत के बाद सुल्ताना नूरा ने कहा कि वो पूरी टीम के साथ ख्वाजा साहब का आशीर्वाद लेने आए, जिसे आने वाली फिल्मों में कामयाबी और घर परिवार में खुशियां मिलती रहे। बीकानेर के चौतीना कुआ क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति गड़बड़ाई हुई है। वहीं पेयजल समस्या से आक्रोशित लोगों ने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया।
वहीं इन लोगों का कहना था कि पिछले काफी समय से चौकीना कुआं क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति गड़बड़ाई गई है, लेकिन विभाग के अधिकारियों को बार बार अवगत कराने के बाद भी ध्यान नहीं दिया गया। और चलिए इसी बीच आपको एक अहम खबर बता दें, जयपुर से अहम खबर, जहां पर नगर निगम के बाहर हंगामा हुआ है। मदरामपुरा के लोग यहां पर आए हैं, करीब 100 लोग बताए जा रहे हैं जो नगर निगम मुख्यालय के बाहर सड़क और बिजली की मांग को लेकर यहां पर मेयर से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन निगम में अभी मेयर नहीं है। तो ये 100 लोगों का कह सकते हैं पूरा हुजूम जो मदरामपुरा में है, सड़क और बिजली की मुख्य मांग है इनकी, और इसी मांग को लेकर कह रहे हैं कि मेयर से मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त निगम में मेयर नहीं है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, महिलाएं और पुरुष सभी इस दौरान नगर निगम के बाहर। बता दें कि मदरामपुरा के लोग हैं ये, तकरीबन 100 लोगों की संख्या, मांगे हैं इनकी सड़क और बिजली, और इन्हीं मांगों को लेकर नगर निगम का इन्होंने रुख किया है, मेयर से मुलाकात करने की इच्छा यहां पर जाहिर की है, हालांकि अभी निगम में मेयर नहीं। और चलिए फिलहाल यहां पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं खबर पंचायत का। जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से करीब 100 करोड़ की लागत से शुरू किए गए सड़कों के डामरीकरण और मरम्मत का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जेडीए अध्यक्ष महेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि 100 करोड़ के आसपास के कार्यदेश की प्रक्रिया के तहत तेजी से जैसे ही बजट आना शुरू हुआ, सड़कों की मरम्मत का कार्य भी शुरू हो चुका है। हनुमानगढ़ का रावतसर मार्ग अब गौ तस्करों का मुख्य मार्ग बनता जा रहा है। गौरक्षा दल रावतसर ने लगातार दूसरे दिन एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 गौवंश मुक्त करवाए। गौरक्षा दल ने ट्रक का पीछा और पुलिस को भी सूचना दी। मुक्त करवाए गए गौवंश को रावतसर की गौशाला में छोड़ा गया। पुलिस ने मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अलवर के कठुमर में सरकारी स्कूल की 6 बीघा जमीन पर 20 साल से जारी अतिक्रमण हटाया गया है। इस कार्रवाई का विरोध भी किया गया, जिससे एक बालकी तनाव की स्थिति पैदा हो गई। वहीं स्कूल प्रधानाचार्य द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए गए। इसके बाद ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम में प्रार्थना पत्र देकर मामले को उठाया। उपनिवेशन विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को जैसलमेर में धनाना और आसूतार के पास मुरब्बों का आवंटन किया गया, जिससे खिलाड़ियों और उनके परिजनों में खुशी का माहौल है। करीब 4 साल पहले खिलाड़ियों और पर्वतारोहियों को कृषि भूमि का आवंटन किया गया था। इसके बाद अब सरकार द्वारा जैसलमेर में 17 खिलाड़ियों और पर्वतारोहियों की सूची भेजी गई थी। पर्यटन भवन में पर्यटन निगम के कर्मचारी आज सामूहिक अवकाश लेकर धरने पर बैठे हैं, और कर्मचारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। वहीं प्रबंधन को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि लगातार मांग रखने के बावजूद भी पर्यटन निगम की बंदी इकाइयों को शुरू नहीं किया गया। बीकानेर में गंगा सिंह विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन छत पर हिरण का कटा हुआ सर और पैरों के अवशेष मिले। सूचना पर अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष शिवराज बिश्नोई ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। हिरण शिकार की आशंका जताई जा रही है। वहीं बिश्नोई सभा के पदाधिकारियों ने एफएसएल की टीम मौके पर बुलाने की मांग की। राजस्थान के अधिकांश गांवों में एकल विद्यालयों की टीम बच्चों में शिक्षा की अलख जगा रही है। वन बंधु परिषद की टीम द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। वहीं इस फंड का उपयोग गांव को डेवलप करने के लिए भी किया जाता है। अमेरिका से जोधपुर आए लाखौटिया परिवार ने जब ऐसे ही गांवों और ढाणियों का निरीक्षण किया तो वो काफी खुश नजर आए। भिलवाड़ा के धनौप गांव के राजकीय विद्यालय में अध्यापकों की कमी से परेशान छात्रों ने पुलिया कला मार्ग पर जाम लगा दिया। इस स्कूल में करीब आधा दर्जन से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं। ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने रिक्त पदों को भरने के लिए कई बार अधिकारियों और विधायक और साथ ही विधानसभा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल से लिखित में शिकायत की। इसके बावजूद भी पद नहीं भरे गए।
धौलपुर में सरमथुरा उपखंड के मोठियापुर कस्तूरबा आवासीय छात्रावास और अव्यवस्थाओं का चोली दामन का साथ नजर आ रहा है। फिर चाहे बात शिक्षिका वंदना शर्मा की मौत की हो या फिर कल से छात्राओं की तबियत बिगड़ने का मामला, छात्रावास में कल से अब तक 13 छात्राओं की तबियत बिगड़ चुकी है। अलवर के तिजारा में आज रोडवेज बस की टक्कर से साइकिल सवार एक छात्रा की मौत हो गई। दरअसल यहां तिजारा के पास एक रोडवेज बस ने साइकिल सवार छात्रा को टक्कर मार दी थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल छात्रा को अलवर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। नागौर के परबतसर विधायक मानसिंह किनसरिया ने डाक बंगले पर जनसुनवाई की। इस दौरान जनसुनवाई में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। विधायकों ने लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं लोग ट्यूबवेल लगवाने जैसी समस्याओं को लेकर डाक बंगले पर पहुंचे, जहां विधायक ने अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। जयपुर के रेनवाल थाना इलाके में बदहाल रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के आगे कूदकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। वहीं पुलिस ने रेनवाल सीएचसी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जैसलमेर के रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेव के विश्व प्रसिद्ध मेले से पूर्व ही क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करके नवीनीकरण के नाम पर रात्रि में घटिया निर्माण का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन फर्स्ट इंडिया के दखल के बाद न सिर्फ बुलडोजर रुका, बल्कि सड़क का निर्माण भी दिन में होगा। बता दें कि रामदेवरा में अगले महीने विश्व प्रसिद्ध बाबा रामदेव मेले का आगाज होगा। जयपुर के रेनवाल क्षेत्र के पचकोड़िया गांव में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत करीब 300 पेड़ पौधे लगवाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान तहसीलदार पुरुषोत्तम जांगेड़, सरपंच तारा चंद, वार्ड पंच मदन लाल सहित गांव के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। भरतपुर के पहाड़ी गोपालगढ़ कस्बे में शिव कांवड़ यात्रा के अध्यक्ष विपुल शर्मा और सरपंच डालचंद गुप्ता के नेतृत्व में पांचवी शिव कांवड़ पदयात्रा रवाना हुई। साथ ही पहाड़ी कस्बे में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष शिशुपाल शर्मा और जिला उपाध्यक्ष मनीष शर्मा के नेतृत्व में यात्रा का स्वागत सत्कार किया गया। पाली के देसुरी सादड़ी थाने के सुथारों का सड़क मार्ग पर हुए हादसे में घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं लोगों ने अज्ञात वाहन को जब्त करने और वाहन चालक को गिरफ्तार करने की मांग की। इस दौरान सादड़ी पुलिस ने परिजनों से समझाइश की। जयपुर के रेनवाल थाना इलाके के इटावा गांव में अज्ञात चोरों ने एक ही रात में चार सोने मकानों के ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवर, कपड़े और हजारों रुपयों के घरेलू सामान लेकर फरार हो गए। भरतपुर के कामा कस्बे के गोपीनाथ मोहल्ला स्थित राजकीय संस्कृत विद्यालय में विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि विद्युत विभाग का लाखों रुपए का सामान कई महीने से विद्यालय में पड़ा हुआ था, लेकिन लापरवाही के चलते विद्युत विभाग अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। दौसा में छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस का घर घर जांच अभियान आज भी जारी रहा। कोतवाली एसएचओ नरेश मीना के नेतृत्व में कई कॉलोनियों में छात्रों की जांच पड़ताल की गई। इस दौरान पुलिस ने पीजी कॉलेज प्रबंधन से भी चुनाव लड़ने वाले छात्रों को दायरे में रहकर प्रचार सामग्री उपयोग करने को लेकर पाबंद करने की सलाह दी। जोधपुर के भोपालगढ़ में स्वतंत्रता दिवस को मनाने को लेकर तहसील कार्यालय में एसडीएम रामानंद शर्मा की अध्यक्षता में तैयारी बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस समारोह कस्बे के परसराम मदेरना स्टेडियम में आयोजित होगा। समारोह में मुख्य अतिथि एसडीएम परेड की सलामी लेंगे और ध्वजारोहण करेंगे। सिरोही के पिड़वाड़ा सरू पंक्चर थाना क्षेत्र के रीको में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी गंभीर थी कि बाइक का टायर रिंग समेत बाहर आ गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्ती के प्रयास किए गए, जिस पर मृतक की शिनाख्त बाबू सिंह के रूप में हुई है। भरतपुर में किला स्थित बिहारी जी मंदिर के परिक्रमा मार्ग में ब्रह्म पूजा के लिए महिलाओं का तांता लगना शुरू हो गया। यहाँ वैश्य समाज की महिलाएं अपने भाइयों की दीर्घ आयु के लिए पूजा करती हैं। वहीं महिलाएं यहाँ सर्पों की पूजा अर्चना भी करती हैं। कहा जाता है कि सर्पों की पूजा करने से भाइयों को दीर्घायु प्राप्त होती है।
और एक अहम खबर आपको बता दें, इस बीच सवाई माधोपुर से जहां पर छाड़ गांव के पास एक बस पलट गई है, तो लगभग एक दर्जन लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं और वहीं दो लोगों की इस हादसे में मौत बताई जा रही है। तो सवाई माधोपुर से खंडार जा रही थी ये बस, लेकिन इसी बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। तो सवाई माधोपुर का ये मामला और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुदर्शन जुड़ गए हैं। सुदर्शन, क्या जानकारी इस हादसे को लेकर और कितने लोग घायल हुए हैं? लगभग 40 से 50 लोगों के घायल होने की अब सूचना आ रही है और लगभग दो लोगों के मरने की सूचना यहाँ पर है। हॉस्पिटल की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर अभी तक सिर्फ एक घायल और एक मृत व्यक्ति यहाँ पर पहुँच चुका है और अभी और जो एम्बुलेंस है वो घायलों को यहाँ पर लेकर के आ रही है। सुदर्शन, हादसे के पीछे की वजह क्या रही? हादसे के पीछे की वजह शायद ब्रेक फेल होना माना जा रहा है। ब्रेक फेल होने की वजह से ये बस जो उसके साइड में गहरी जगह थी उस वजह से पहिया उतर गया और वहां से वो बस पलट गई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुदर्शन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सवाई माधोपुर का यह मामला, छाड़ गांव के पास ये एक बस पलटी है, ब्रेक फेल होना, हालांकि शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने के चलते ही हादसा हुआ है। एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, दो लोगों की मौके पर ही मौत, और बता दें कि फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उस हादसे के बाद किस तरह से घायलों को अस्पताल के लिए ले जाया जा रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त श्रीगंगानगर से, जहां पर विवाहिता बच्चे के साथ पानी की डिग्गी में गिर गई। ग्रामीणों ने विवाहिता के शव को बाहर निकाल लिया है, वहीं बच्चे की तलाश की जा रही है। तो पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। विवाहिता के मरने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि घर पर अकेली थी विवाहिता, परिजन नहीं थे घर पर। वहीं रामसिंहपुर थाना के 16 BLD गांव की घटना है, जहां पर एक महिला अपने बच्चे के साथ पानी की डिग्गी में गिर गई। महिला का शव तो बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन बच्चे की तलाश अब भी जारी है। तो घर में उस दौरान कोई भी नहीं था, कोई परिजन नहीं था। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, श्रीगंगानगर का यह मामला, रामसिंहपुर थाना के 16 BLD गांव की घटना है, जहां पर एक महिला अपने बच्चे के साथ पानी की डिग्गी पर गिर गई। घर पर अकेली थी ये विवाहिता, उस दौरान परिजन भी घर पर मौजूद नहीं थे। तो महिला के शव को तो बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी बच्चे की तलाश की जा रही है। और चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं टेढ़ी नजर के साथ। नमस्कार। We'll be right back.